डीजल की बात कर सर, डीजल कितना खा जाती है आने जाने में जी? डीजल जी 1500 लीटर हैदराबाद का लग जाता है आने जाने। सीधा जी 1.5 लाख का डीजल। भाड़ा का भाड़ा वही है जो 88-87 में था, भाड़ा तो वही चली जा रहा है, भाड़ा कहाँ बढ़िया भाई जी। अच्छा, इज्जत कोई नहीं है, जहाँ पे पुलिस वाला मिल गया उसने बोलना। हाँ जी, तो कोई ये नहीं बोलना, देखना आगे भी कौन है, कितनी उम्र है, 60 साल की उम्र होगी होगी। उन्होंने वही करके बात कर देनी है। 2000 का 2500 का चलान करते थे, अभी सीधा 30000 का, 20000 का, 30 बताओ 20-30 हजार रुपया गरीब आदमी गाड़ी वाला जो सिंगर जो हमारे भाई व्यूवर है काफी दिनों से, उसके 8 से 10 कमेंट आ चुके हैं हमारे को कि 37-18 ट्रक के बारे जरूर बताया जाए। तो भाई पहले तो बता देता हूँ, ये BS3 गाड़ी है, इसके बारे बताऊंगा अगली जो वीडियो आएगी। BS4 के बारे आएगी, 6 के बारे आएगी, सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। कितनी माइलेज है इस ट्रक की, क्या क्या इसके अंदर खर्चे, क्या क्या बच जाता है गाड़ी के अंदर, सारी वीडियो रहेगी खास। तो पाजी हमारे मिल चुके हैं अमृतसर वाले भाई जी, तो गाड़ी भी देख सकते हैं यहाँ पे, तारन तार साहिब की गाड़ी हमारे को यहाँ पे मिल चुकी है। भाई जी अपने जो है पगड़ी वगैरह सजा रहे हैं भाई, क्योंकि सरदारों की शान है भाई उनकी पगड़ी। तो भाई साहब इस टाइम हम बताएंगे BS3 के बारे में, 37-18 जो अशोका ले लेने की हमारे पास गाड़ी खड़ी है, तो इसके बारे करके बताएंगे। देख सकते हैं गाड़ी भाई ने एकदम से बढ़िया जो है खूबसूरत भाई, 2016 मॉडल गाड़ी है ये। इसकी अगर हम इंजन की बात कर लेते हैं, इंजन जो है 180 HP का जो उसके अंदर इंजन है, और अगर हम इसकी लेंथ की बात कर लें जी, 28 फुट लंबी गाड़ी है। तो भाई जी इस भी बातचीत करेंगे। भाई जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? नमस्कार भाई जी, नमस्कार। सर सबसे पहले जी आपका नाम जी? बेअंत सिंह। बेअंत सिंह जी कहाँ से आ रहे जी आप? हमारे भाई जी अमृतसर से हैदराबाद जा रहे हैं। अमृतसर से भाई हैदराबाद जा रहे हैं, थोड़ा मैं बीच में इनके पास जरूर जाऊंगा, एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ भाई जी की। अगर डीजल टैंक की बात करें, 400 लीटर का डीजल टैंक आपको जो है फाइबर का मिल जाता है। इस डीजल टैंक की खासियत ये है, बाई चांस कभी गाड़ी लग जाए, ये टैंक फटता नहीं है, ये पिचक जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है इसका, इसलिए ये कंपनी इस तरीके के जो है डीजल टैंक दे रही है। टायरों की बात कर लेते हैं भाई, 14 चक्के के टायर पूरे करने भाई, पसीने छूट जाते हैं 14 टायर, क्योंकि 55,000 रुपये की जो है जोड़ी इस टाइम चल रही है। तो भाई जी से भी हम बातचीत करते हैं ट्रक के बारे बारीकी से, भाई साहब क्या क्या दिक्कतें आती है, देखो टायर टप्पे डाल रहे हैं। तो भाई जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? सत श्री अकाल जी। तो कैसे चल रहा सर ट्रांसपोर्ट का धंधा जी? ट्रांसपोर्ट का धंधा तो भाई जी बिल्कुल फेल ही समझो आप। अच्छा जी, जब से सरकार ये आई है बिल्कुल ये तो रोटी वाला काम है, रोटी खाने के लिए चला लो। हाँ जी, उधर से ले आओ रोटी खा लो, तो आ जाओ चले जाओ, बस शहर घसाते रहो। अच्छा जी, बस यही हाल है और कुछ नहीं है। आजकल तो जो भी गाड़ी डालने वाला काम है, जो नया आदमी वही फंसने वाला काम है, या जिसका कोई अपना बुकिंग होगा, बाकी तो काम खत्म है जी। अच्छा जी, सर जैसे कई बंदे हैं फटाफट देखते हैं कि बड़ा लाख रुपया भाड़ा लग गया जी, तो गाड़ी डाल लेते ही 14 चक्का जी, तो 14 चक्का के सर अगर बात करें माइलेज की, कितनी किलोमीटर पर लीटर जो डीजल खाती है जी? 3 किलोमीटर में 1 लीटर उड़ा देती है जी। अच्छा 3 किलोमीटर, यानी कि 100 रुपये लीटर इसका जो है भाई, अगर डीजल की बात करें MP में 100 रुपये लीटर मान के चलो, तो आपका 3 किलोमीटर चलेगी 100 रुपये में, मोटा मोटा आपका खर्च सीधा ही भाई साहब 35-36 रुपये किलोमीटर ज्यादा ही बैठ गया है ना। अगर टोल की सर बात करें, टोल का क्या खर्चा जाता है हैदराबाद तक पंजाब से जहाँ से आप गाड़ी लेके चलते हैं जी? अभी तो हैदराबाद से अमृतसर का मानो के 45-50 हजार रुपए अप डाउन हो जाता है। अच्छा जी, हाँ जी, 45-50 हजार रुपए अप डाउन। हाँ जी, आना जाना। डीजल की बात कर सर, डीजल कितना खा जाती है आने जाने में जी? डीजल जी 1500 लीटर हैदराबाद का लग जाता है जी आने जाने। सीधा जी 1.5 लाख का डीजल 45 हजार के टोल, यानी कि 2 लाख रुपया खर्चा होगा जी। 2 लाख। अगर भाड़े की बात करें, क्या भाड़े मिल रहे हैं आपको? तेजी भाड़ा मिल रहा है या क्या भाड़े का? मिलता हो तो फिर तो काम ही क्या, फिर तो काम सही हो गया। भाड़ा का भाड़ा वही है जो 88-87 में था, भाड़ा तो वही चली जा रहा है, भाड़ा कहाँ बढ़िया भाई जी? अच्छा, भाड़ा नहीं बढ़ा बिल्कुल, भाड़ा कोई नहीं है, गाड़ियाँ तो बढ़ती जा रही, भाड़ा नहीं बढ़ा जी। भाड़ा नहीं बढ़ा, भाड़ा तो आप हिसाब लगा लो, गाड़ी है मेरे पास एक और भी। हाँ जी, अभी 2,30,000 रुपए का चक्कर लगा के आई हैदराबाद का। अच्छा जी, उसमें आप 1,40,000 का लगा लो आप डीजल, जे तुम 1.5 लाख का नहीं भी लगाओगे तो। हाँ जी, 30,000 रुपए तो ड्राइवर को खर्चा देते हैं। हाँ जी, 1,70 हो गया। हाँ जी,
और आप 40,000 के टोल लगा दो, चलो 45 भी नहीं मानो, आप 40 के लगा दो, हाँ कितने जी हो गए? हाँ जी 70, 2,10,000 हो गया। हाँ जी 2,10,000 में बाकी क्या बच गया ऊपर से, 2,30,000 का चक्कर लगा के आई तो 20,000 रुपए। 20,000 में टायर की घिसाई गिनी है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। हाँ जी टायर की घिसाई होगी सर, EMI होगी, इंजन की घिसाई होगी, यानी कि जितनी टायर की घिसाई है सर उतनी ही और पुर्जों की घिसाई है ट्रक में। 5,000 की जोड़ी। हाँ जी टायर की, अब 14 टायर नीचे घसते तो पता लगा 20,000 में टायर लगाएगा आदमी, उसमें जो किस्त देगा इसकी के ड्राइवर साथ में रखा हुआ उसको तनख्वाह देगा, क्या करना है? हाँ जी बहुत मुश्किल हो गया जी, ये तो आप और कोई धंधा होता नहीं, एक बार जिंदगी को धक्का देने वाली काम है। एक जो गाड़ी लेन है ना, हाँ जी इससे दुनिया चलती, दुनिया चलती, कितने चिराग जलते जब एक ट्रक चलता है, लेबर वाले से लेके मजदूर से लेके ऊपर तक अमीर तक सरकार तक। हाँ जी सरकार इनके ऊपर चलती, जे इनका कोई सोचेगा नहीं तो ये समझो कि सरकार को भी घाटा पड़ता है, पड़ेगा। ये नहीं है सरकार जब खड़ी हो जाएगी तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा, रोड टैक्स है, रोड के ऊपर टैक्स लगे हुए हैं, जो टोल टैक्स कहाँ से आएंगे जब गाड़ियां खड़ी होगी तो। हाँ जी बहुत हालत खराब है ट्रांसपोर्ट धंधे की। मैं कहता हूँ आजकल गाड़ी डालने वाला तो बेवकूफी वाला इतने 50-60 लाख रुपए गाड़ी पे लगा के। हाँ जी तो फिर इज्जत कोई नहीं है, जहाँ पे पुलिस वाला मिल गया उसने बोलना। हाँ जी तो कोई ये नहीं बोलना, देखना आगे भी कौन है, कितनी उम्र है, 60 साल की उम्र होगी होगी सर, उन्होंने वो करके बात कर देनी है। हाँ जी इतने पैसे लगा के जब आदमी की कोई इज्जत ही नहीं तो मैं कहता हूँ ना कोई कमाई है ना कोई इज्जत है, चुप करके अपना कोई भैया और देखो। हाँ जी इससे बड़े चाय की दुकान कर लो, मैं तो कहता हूँ चाय की कर लो चाहे कुछ भी कर लो, अपनी दिहाड़ी मजदूरी दो भैंस रख के दूध डाल लो सर, दिखावा ही रह गया। देखो अब मुद्दे तो खत्म हो गए, बिल्टी के ऊपर देख लिया भाड़ा लिखा जी इसका भाड़ा इतना जी इसका 1,30,000 है, देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे बहुत पैसा बचत होगी इनकी जी। हाँ जी ये नहीं मालूम का खर्चा कितना हो गया, 1,30,000 बनया है, 1,20,000 रुपए तो गाड़ी का जाने का खर्चा ही है। हाँ जी अगर कोई चलान कर दे तो जेब से पे। हरियाणा का देख लो आप, हाँ जी हरियाणा में हाइट का कोई है? हाँ 2,000 का 2,500 का चलान करते थे। हाँ जी अभी सीधा 30,000 का 20,000 का 30, बताओ 20-30,000 रुपए गरीब आदमी गाड़ी वाला जो सिंगल मार के चाहे कोई डबल है, जितनी गाड़ियां हैं उतना ही खर्चा है। हाँ जी ये नहीं है कि कोई किसी के पास 10 है तो उसके पास बहुत पैसा है, आप एक भैंस रखोगे हाँ जी तो खर्चा एक का होगा, हाँ दो रखोगे तो उसको भी खर्चा उसका ही है। सही बात है। तो 30,000 रुपए का जब गाड़ी का चलान हो जाता है तो मालिक जानता है। हाँ जी कि वो कैसे वो तो उस काम को निपटाएगा, कैसे भरेगा, कैसे काम चलाएगा, छोटे छोटे बच्चे घर में इंतजार करते रहते हैं, जब से निकलो सारा 1 महीने बाद 20 दिन के बाद घर जाना। हाँ जी अब नहीं कुछ और कुछ धंधा कर नहीं सकते, अभी इतनी देर से गाड़ियों में लगे हुए हैं, धक्का दे लिया इधर से नया पुराना, इधर से लाख ले लिया, उसका डीजल डलवा लिया, टूल टैक्स कटवा दिया, उधर से लाख ले लिया, किसी से ब्याजी पकड़ लिया, टायर लगवा लिए, फिर धीरे धीरे देते रहेंगे। हाँ जी बस बहुत भाई जी मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल हो गया जी भाई।